मुअज़्ज़ज़ीन पंडाल में मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन और अहले इलाका, ये मैं आज का जो ये इज्तिमा है इसको देखकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यहाँ के जो सियासी मुखालफीन हमारी जमात की कमजोरी और अपना सारे जिला पे छा जाने की बात करते थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देता हूं। यहाँ पे ये रस्म रही है कि हमारे सियासी मुखालफीन एक हल्का से उठे, पहले उन्होंने उस पूरी तहसील पे कब्जा किया और अब आपकी तहसील की तरफ गामजन है। आप गुजरात तहसील की हालत देख लें, गुजरात के लोगों में लोगों के साथ जो पिछली टर्म में हुआ जब ये वजीर आला थे, जी बिल्कुल यही बात है। मेरे ये बुजुर्ग जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, उनको बिल्कुल इलाके की फलाह बहबूद या तरक्की से उनका तल्लक नहीं है क्योंकि वो यहाँ के मुकामी नहीं है, वो तो सिर्फ फतह करने के लिए आते हैं। और मैं पंजाबी में ये कहूंगा कि साडे संदूकां चो ना समान ते साडियां कुड़ां चो ना डंगर भी नहीं छड़ने। और इस चीज को आप पहले ही देख चुके हैं और अब वहां तरक्की के नाम पे जो फंड लाया जा रहा है सामने, तो वो सड़कें और वो डेवलपमेंट है, लेकिन उसके पीछे के अगराज व मकासद आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहां की जमीनें कोड़ियों के मोल कब्जा करके, कोड़ियों के मोल धौंस से खरीद के, तो वो उसको उनको अरबों की बेचेंगे। और यहाँ भी वो इसी हालत के लिए आ रहे हैं। आप कुछ हाल के जागते रहियो और अपना पैरा दियो और अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत को तुहानू महफूज रखे। आज ये मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, आज ये जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कोटला अरब अली खान, ये डेरा चौधरी अब्दुल मालक, ये कई अशरों से आपकी खिदमत कर रहा है, आपके लिए मौजूद है और खसूसन मजलूम लोगों की दाढ़त बताने के लिए ये मौजूद है। और फिर चौधरी मालिक साहब के बाद उनके साथ साथ खान भी उनकी की लाइन पे चले हुए हैं और आपका तावन इनको हासिल रहा। और जिस तरह चौधरी अहमद मुखालफीन के सामने टटे हुए हैं सीसा फलाई दीवार के साथ, इंशाल्लाह इसी तरह वो कायम और दायम रहे और वो कायम और दायम रहेंगे आप अल्लाह ताला की मदद से, आपकी मदद से आप उनके शाना बिशाना रहे, तो मुझे यकीन है कि आपकी तहसील आजाद ही रहेगी। यहाँ पे वो अपने मकासद पूरे नहीं कर सकेंगे। आज आपका ये इज्तिमा देख के मैं आखिर में कोटला बरादरान को, चौधरी आबद को, चौधरी आबद रजा को, चौधरी शबीर को और अपने भाई चौधरी तनवीर को और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं। और इस मौके पे जो जो कुछ हर दौर में हर मुखालिफ हुकूमत में इनके साथ हुआ या करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रुकावट है उनके मकासद में, उनके इरादे में, तो मैं एक शेर के साथ ये अपनी बात खत्म करूंगा कि इको तेरी होठ खुदाया और नहीं कुछ सुझदा, जिस दीवे नू अपू बाणे कद किसे तू बुझदा।